हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद कार्तिके। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कटिंग से लगने वाले 10 पौधे जिनकी कटिंग आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले ये है मधुमालती का पौधा। इसकी आप कटिंग से फरवरी या मार्च के महीने में जब इसमें से ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाए नोड पर्सन से, तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत क्रीप प्लांट है जिसपे 2 से 3 तरह के फ्लावर आते हैं, वाइट, रेड और पिंक। इसको आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है ये मोगरा यानी कि जैस्मिन का प्लांट। इसको भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जब भी आपको नोड पार्सन से ऐसी छोटी छोटी ग्रोथ देखने को मिले तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर डबल चामिनी का पौधा। इस पर ये भी जैस्मिन की वैरायटी है। देखिए, मैंने थोड़े टाइम पहले ही इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें से ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। ये इस पर भी वाइट फ्लावर फिलहाल लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है चंपा का प्लांट। इसे भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ग्रोथ पार्ट से कटिंग लेनी होगी जहाँ पर ग्रोइंग एरिया कभी खुला हुआ है। इस तरीके से इसकी सारी पत्तियां सर्दियों पर गिर गई थी, लेकिन अब सर्दियों के बाद दोबारा मार्च में इसकी पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी, रोड साइड या कहीं पर भी। पांचवें नंबर पर है हिबिस्कस यानी गुड़हल का प्लांट। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। उसकी कटिंग आपको बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी। इस पर भी रेड फ्लावर लगते हैं और ये और भी कई कलरों में आता है, तो आप कोई भी तरह के फ्लावर की कटिंग लगा सकते हैं, वो आसानी से ग्रो कर जाएगी। सिक्स नंबर पर है रोज का प्लांट। इसको भी आप आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं और इसकी भी आपको ब्रांच कहीं मिल जाएगी और ये पूरे साल भर आपको भर भर के फ्लावर देगा। इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सेवन्थ नंबर पर है येलो वेल का प्लांट। देखिए, थोड़े टाइम पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। इसके भी ब्रांच को आप लगा सकते हैं, ये आपको साल भर येलो फ्लावर देगा और आपके गार्डन में कलर सेट करेगा। इसकी कटिंग भी आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं भी और ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। 8th नंबर पर है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट। इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं और ये एकदम रफ एंड टफ प्लांट है। इसको ज़्यादा केयरिंग की नीड नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा आपको फ्लावर देता रहेगा। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ही इजीली इसकी कटिंग ग्रो हो भी जाती है। 9th नंबर पर है ये वाली ग्रास जिसको आप दिन का राजा भी बोलते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावर लगते हैं, कलरफुल फ्लावर लगते हैं और ये भी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। देखिए, आई मैंने थोड़े टाइम पहले ही इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें अच्छी डेंसिटी आ चुकी है। इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं, कई कलरों में आती है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और ये इसको सेमी शेडेड एरिया चाहिए, मतलब हल्की हल्की धूप चाहिए इसको जहाँ भी आप इसको लगाएं। और ये पूरे टाइम ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। आप इसको घर के अंदर भी या किसी वाटर की बोतल में भी कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं और ये भी आपको बहुत आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी ही गार्डनिंग की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।